इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी है ना सेकेंडरी प्राइमरी तो हमने जैसे ऑयल गैस वगैरह की बात की थी विंड है सोलर है वो सब प्राइमरी एनर्जीज़ है ना उसका फिर जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी है डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी सोलर से तो बना सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ों से भी इनडायरेक्टली बनती है तो इस इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ ख़ास तौर पर क्यों डिस्कशन uh, शुरू किया आपने तो उसकी बहुत ही एक छोटी uh, सी कल्चरल वजह है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत छोटी सी आसान सी वजह है जो कि इस सा इस स्लाइड में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जब एनर्जी इकोनॉमिक्स का जो डिस्कशन होता है उसके इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत इस वजह से होती है कि हमसे बहुत खरीब तर है अब आप आजकल देखें जैसे अखबार में देखें या ख़ुद कर या आज दो की बात है ना कि अब देखें यहाँ पर कि क्या पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है तो लोग कहेंगे जी वो यूनिट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है जिस आदमी को यूनिट का नहीं पता यूनिट का मतलब क्या होता है उसको ये पता है कि यूनिट के पैसे कितने होते हैं उसकी वजह है कि उसकी सारी ज़िंदगी जो है ना उस पर डिपेंड करती है जो घर वाले हैं अब वो इलेक्ट्रिक का बिल देखते होंगे कहते हैं ओह जी कल तो मैंने चार सौ रुपये दिया था और आज मेरे आठ सौ रुपये हो गया मेरा बिल डबल हो गया तकरीबन तो वो इस वजह से इतनी करीब है हमसे कि उसके बताना बहुत ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज कैसे करते हैं तो ये सारा जो ये एनर्जी इकनॉमिक्स और एनर्जी मैनेजमेंट का सेक्शन है ये सारा का सारा तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कि पाकिस्तान में 6.6 पॉइंट मिलियंस कार्स हैं गाड़ियाँ है जो है ना सब ट्रक श्रक मिला के सब मिला के जो है ना 6.6 मिलियन है सारी दुनिया में 1.5 बिलियन कार्स हैं और हमारी पॉपुलेशन तकरीबन दो सौ मिलियन है अब उसका रेशियो निकाल लें वो इसका मतलब है कि टू कार्स पर पर्सन पॉइंट कार्स पर पर्सन इसका मतलब ये कि एक चालीस में से एक आदमी एक एक शख्स के पास गाड़ी है ये अगर आप कराची होंगे या लाहौर होंगे तो लगता है कि हर शख्स के पास ये गाड़ी है लेकिन अगर सारे मुल्क के एवरेज निकाले ना तो ये हिसाब बनता है कि चालीस में से एक आदमी के पास गाड़ी है चालीस में से एक अब बिजली क्या है बिजली है हमारे पास पिछहत्तर फीसद लोगों के पास बिजली है ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी अच्छी बात तो ये है कि चलो पचहत्तर फीसद के पास तो हुई ना पच्चीस फीसद के पास नहीं है वो बुरी बात है सारी दुनिया में हर जगह घरों में सब जगह बिजली आ गई है अस्सी नब्बे फीसद तक के बहुत आसानी से हर मुल्क में चला जाता है जो मतलब डेवलपिंग नेशंस जो हैं हमारे पास अभी तक पिछहत्तर फीसद है लेकिन अगर आप सिर्फ पिछह पिछहत्तर फीसद का क्या मतलब कि तीन चौथाई लोग तीन में से चार में से तीन लोगों के पास बिजली है वो द, चालीस में से एक आदमी के पास गाड़ी है लेकिन चार में से तीन लोगों के पास बिजली है इसका मतलब बिजली तो हमारी हर चीज के अंदर बिजली है ना अगर आप जाके कहेंगे जी मुझे मक्खन खरीदना या अंडा खरीदना है तो उसकी प्राइस डिपेंड करती है बिजली की प्राइस से वो बिजली की प्राइस सारे आप उसको यकीन अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइस वो सारी इसमें सब बिजली की प्राइस यकीनन मिली होती है तो हमारे बिजली की प्राइस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है ये मैं कहना चाह रहा था तो इस वजह से देखते हैं कि ये एनर्जी इकनॉमिक एलेक्ट्रिसिटी से कैसे चलती है और एनर्जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंसिंग वगैरह फाइनेंसिंग के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा लेकिन कम से कम उसके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात जो है ना वो जरूर देख लेंगे कि वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बिजली का कि बिजली के सारी चीज़ें तो ये आ, सारी दुनिया में बिज, ये बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसमें कम अज कम इतना तो है कि पच्चीस तीस फीसद जो है वो रीनबल सोर्सेज से बिजली आ जाती है पच्चीस तीस फीसद ट्रांसपोर्टेशन का अभी तक कुछ नहीं पता बाकी इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता लेकिन बिजली एक ऐसी चीज़ है आ, सबसे ज़्यादा बाकी चीज़ों के हिसाब से सबसे ज़्यादा पच्चीस तीस फीसद तक के वो उसमें वो हो जाती उसकी वजह क्या है आप ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक देख लें पाकिस्तान में तो अब आप पीछे अगर आप आ, तीस चालीस साल पीछे जाएँ तो पैंसठ फीसद बिजली थी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आती थी ना पैंसठ फीसद उन्होंने फिर कहा कि जी ये लोगों को सब नहीं मिल रही तो इस वजह से थर्मल प्लांट्स लगाएं तो फिर वो गैस का और कोल का और इसका उसका लगना शुरू किया फिर थर कहानी थर वाली कहानी शुरू होगी तो अब घट गट घटा के तीस पैंतीस फीसद हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आ जाती है लेकिन सारी दुनिया में ये देखें ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टेरा वॉट टेरा क्या होता है टेन टू दी पावर ट्वेल्व वाट आवर क्या होते हैं वो हमने पहले पढ़ा था वाट यूनिट है एनर्जी का।, एनर्जी का एनर्जी का मतलब जूल्स पर सेकेंड उसको अगर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ जूल रह गया तो वाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है पावर का नहीं ये ख्याल रखिएगा और ये पावर और एनर्जी की यूनिट में डिफ्रेंशिएशन जो अब वो अभी इकोनॉमिक्स देखेंगे ना और इसके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो फिर वो उसका फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टेरा वाट आवर टॉप लिमिट है अब उसके अंदर कोल की परसेंटेज देखें उसके अंदर गैस की परसेंटेज देखें ऑयल की परसेंटेज कितनी कम है ना ऑयल बहुत कम इस्तेमाल होता है बिजली पैदा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाले सारे ले जाते हैं न्यूक्लियर की अच्छे खासा हेल्थी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का बहुत ही हेल्थी है जैसे हमारे मुल्क में ख़ासतौर पर फिर विंड एनर्जी सोलर एनर्जी ये बायो एनर्जी सारी चीज़ें अब आनी ज्यादा से ज़्यादा शुरू हो गई हैं लेकिन सारा का सारा स्लोप ऊपर जा रहा है कोल को मिला के कोल को आप देखें जाके देखें राइट हैंड साइड पर जाके कोल तकरीबन फ्लैट हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं स्टार्ट के अंदर नाइनटीन एटी फाइव से टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक का डेटा है तो फ्लैट होने की वजह यह है कि वो कॉन्शियसनेस जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था लेकिन वो यकीनन चाइनीज़ फैक्टर इतना बड़ा है वो उसको नीचे नहीं जाने दे रहा थोड़ा बहुत ऊपर ही चलता चला जाएगा हल्के से ये जो है ये पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कहाँ से आ रही है लेफ्ट वाला जो कॉलम है जो ब्राउनिश रेड है वो कोल के ऊपर है जो मेजर जो है वो हमारे पास गैस से आता है गैस से आता था अब तक के अब थोड़ा सा वह आहिस्ता आहता स्विच होता चला जाएगा और नीचे चला चल जाएगा ये 2022 हजार का की स्टेटिस्टिक्स हैं और फिर बाकी जब बाकी चीज़ें आप देख लें कितनी उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं बायो है सोलर है वो वे थोड़ी बहुत उनकी तो बहुत सी लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है जो ग्रीन वाला जो केस उसमें देख रहे हैं वो सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान के लिए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है और बाकी जगह का ये है कि चाइना का जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कोल से आता है वो तो जो हमने कई मरतबा ये चीज़ें देखी है उसका अफेट हर चीज़ के ऊपर प्राइसिस के ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर वो इतनी बड़ी स्लाइस है ना कोल वाली अभी कुछ बड़ी बड़ी भी इकोनमीज़ हैं उनका डिपेंडेंस कितना है कोल के ऊपर कोल से मराद इसमें फॉसल फ्यूल है साथ कोल तेल और गैस तीनों मिला के साउथ अफ्रीका के देखें बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फॉसल फ्यूल से आती है उसके कंपेरिजन में आप देखें सबसे नीचे स्वीडन में है वो बहुत ही कम जो है फॉसल फ्यूल से आती है बाकी जो न्यूक्लियर से काफ़ी हैं और उसके अलावा जो रीन्यूएबल एनर्जी उन पर काफ़ी डिपेंड ये तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में सारे बहुत बड़ा रुझान शुरू हुआ है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वगैरह हर जगह ये रीन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा रिलायंस उन्होंने शुरू कर दिया है फ्रांस जो है वो कुछ अरसे तक के पिछहत्तर फीसद उसकी इलेक्ट्रिसिटी थी वो न्यूक्लियर से आती थी अब उन्होंने थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी शुरू कर दी साथ में तो कुछ साठ बासठ तिरसठ फीसद उसकी रह गई है न्यूक्लियर से ब्राज़ील जो था वो देखें उसकी कितनी ज़्यादा तादाद है ना सेवेंटी सेवन परसेंट रीन्यूएबल एनर्जी अब वो घट घटना शुरू हो गई है उसकी वजह क्या है उनको तेल नज़र आ गया है ब्राज़ील में बहुत सारा तेल निकला है अब थोड़ा थोड़ा इनका शायद घटना शुरू हो जाए जितनी पहले ये गन्ने से निकालते थे आरा रखते बनाते अल्कोहल अल्कोहल से बनाते थे डीजल तो अब वो उन्होंने कम करना शुरू कर दिया वो बाकी अब जगहों को देख लिया इंडिया की डिपेंडेंस कितनी सारी फासिल फ्यूल के ऊपर है सत्तर फीसद से ज़्यादा उनके पास फासिल फ्यूल से आता है ये जो कर्व है ये लो कार्बन सोर्सेस इसका मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है इस किस्म की न्यूक्लियर हुआ सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक टाइडल और थोड़ा बहुत बायोमास मिला के वही पैंतीस फीसद पर चल रहा है हिसाब वही चलता रहेगा थोड़ा सा आप आके आगे बढ़ा है विंड की वजह से सोलर की वजह से तो वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आई है विच इज़ सिग्निफिकेंट एक्चुअली के तीस फीसद से पैंतीस फीसद पाँच छः फीसद बढ़ जाना इतने अर्से में बल्कि दस फीसद तक के तो ये बड़ी बात है लेकिन वही तकरीबन फ्लैट अगर उसको एवरेज करें तो वही निकल आएगा अब उसमें जो है न्यूक्लियर के जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है जैसे मैंने आपको बताया ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस न्यूक्लियर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो न्यूक्लियर की तरफ रुझान कम हो गया है बाकी चीज़ें जो रीन्यूएबल है ना विंड और सोलर वगैरह उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जा रही है अब ये ये जरा अजीब सा ग्राफ है इसको देखें दो का ग्राफ है कि लो कार्बन सोर्सेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है अब वो देखें सबसे ज़्यादा ग्रीन जो है अफ़गानिस्तान में है या नेपाल में है या कम्बोडिया में है या नॉर्थ कोरिया में है वो क्यों है ये ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास उनकी उनकी वजह यह कि वो लकड़ी काट के इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह सारा बायोफ्यूल के हिसाब से उनका बनता है वरना तो वो उसके उस दो इनसिग्निफिकेंट है उसका आप भूल जाए बाकी जगह देख लें कि कितनी जगह ये ज़्यादातर लो कार्बन सोर्सेज से अब बढ़ना शुरू हो गया है रशिया वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत मतलब अवेयरनेस आई है तो लोगों ने काम करना शुरू कर दिया इस सिलसिले के अंदर ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया के हिसाब से सारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन देखें फॉसिल फ्यूल से अफ्रीका का देख लें अगर मैप नॉर्थ में कोई और चीज़ नहीं है मतलब ये मराको जाएंगे मराके के पास कुछ भी नहीं है फ्यूल के हिसाब से सीरिया के पास कुछ भी नहीं है फ्यूल के हिसाब से तो ये सारे चीज़ें चलते हैं इजिप्ट से जो गैस आती है उस पर काम चलता रहता है तो ये सारा फॉसल फ्यूल वाला हिसाब किताब है सऊदी अरेबिया ऑफ़ कोर्स यू नो के उनके पास सारी वह साउथ अफ्रीका का भी सारा केस जो है वो कोल वगैरह पे चलता रहता है तो ये तमाम तो चीज़ों में इसका एक यकीन एक, एक, इकोनॉमिक अफेक्ट भी है इन्वामेंटल अफेक्ट भी है उन दोनों को कम्बाइन कर लें तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इस फॉसल फ्यूल के ऊपर इतनी सारी डिपेंडेंस पाकिस्तान में ये देखें ये एक खुशकस्मती है पाकिस्तान की एक तरीके से कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक इतना ज़्यादा है उसको किसी तरह से एक्सप्लॉयट करना जितना पहले था अभी अब, अब एकदम से पाकिस्तान में इस वक्त चार नए डैम की तैयारी शुरू है ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतना रिसोर्स हो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंट इकोनॉमिक सारे रिसोर्सेज के चार नए डैम बन रहे हैं अब ये थर्टी फोर से अगर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेके भी अगर आगे तक आ जाते हैं ना तो कितनी बड़ी बात होगी वो अगर इस सिलसिले में इसको कंपनसेट करते हुए एक आ, थर का पावर प्लांट बंद कर दें तो हमारे आधा पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा लेकिन वो बड़ी अजीब सी सोचने वाली बात है हम तो आगे से आगे जाने की सोचते हैं पाकिस्तान का एक मसला ये भी है कि अब पच्चीस से तीस फीसद हमारे पास लॉसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसमें पच्चीस से तीस फीसद में शायद उनतीस फीसद ऐसे होंगे जो चोरी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी लोग आ, आ, डी, डी डी डालते हैं आड़ा डी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम भी जब बच्चे थे तो ऊपर तेल तार डाल के क्रिकेट खेलते थे रात को बिजली जल रही है उसका हिसाब किसी को नहीं देना तो ये ऐसी चोरियाँ बहुत सारी होती हैं पाकिस्तान में तो वो उसका कोई हिसाब किताब करना अब ये शायद ये आई की वजह से कुछ इस दो के अंदर कुछ इसमें शायद अफ़ाका हो कुछ लोग इस पर स्ट्रिक्ट करें लेकिन उसका अब तरीका उन्होंने ये बताया कि थोड़ा सा इनके टैरिफ को आगे बढ़ा दें इसका मतलब कि जो कम घर घर के ट्रैफिक टैरफ जो हैं वो दस या ग्यारह या बारह रुपए फी यूनिट और इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो पैंतीस रुपये फी यूनिट तो वो प्राइस बहुत बढ़ गई है वो एक तरीक़ा है दूसरी तरीक़ा कि इसमें कुछ अगर अगर पच्चीस फीसद बचत कर ली जाए तो इसका मतलब पच्चीस फीसद कीमत कम हो सकती है ना क्यों नहीं हो सकता वो फिर वो अब ये इसमें पॉलिटिकली नहीं जा सकता लेकिन कुछ ना कुछ उसका किया जा सकता है